बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खुशहाल बचपन अभियान जन्म से 6 साल के बच्चों को दे रहा संपूर्ण विकास। जिला प्रशासन एवं समेकित बाल विकास परियोजना, स्वास्थ्य विभाग एवं ग्राम पंचायत स्वयं सहायता समूह, अध्यात्म गुरु के सामूहिक सहयोग से बच्चों को का स्वास्थ्य पोषण एवं देखभाल के अलावा सामाजिक वातावरण की गुणवत्ता में सुधार हेतु खुशहाल बचपन अभियान आकांक्षी प्रखंड भगवानपुर के में बेहतरीन ढंग से चल रहा है। इस कार्यक्रम को सरजमीन पे बेहतर ढंग से लाने के लिए ICDS DPO द्वारा प्रत्येक महीने परियोजना स्तर पे बैठक करने का आदेश और हो रहे प्रगति का विश्लेषण करना है। इसी क्रम में आज बाल विकास परियोजना भगवानपुर के चयनित 25 आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों का संपूर्ण विकास में उनका योगदान कैसे यह बताया गया। इस पर ICDS CDPO प्रतिमा आचार्य, पोषण समन्वयक मौसमी कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका कृष्णा कुमारी, लीला कुमारी, स्वाति कुमारी, प्रतिमा कुमारी के साथ सेविका के बर्णवाल, चुनचुन, वंदना कुमारी, सुधा कुमारी मौजूद थी। साथ ही पिरामल फाउंडेशन के प्रोग्राम लीड दीपक मिश्रा, दीपक कुमार पिरामल, हेलो अभिषेक तिवारी, अर्पित पाल मौजूद थे। मौके पर मौजूद पिरामल फाउंडेशन के सदस्य और ICDS की टीम ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य पोषण एवं देखभाल के अलावा सामाजिक वातावरण की गुणवत्ता में आंगनबाड़ी सेविका की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। बच्चों के शुरुआती दौर के 6 वर्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन वर्षों में विकास की दर विकास के किसी भी अन्य चरणों की तुलना में अधिक तीव्र होती है। ऐसा देखा गया कि अधिकतम 6 वर्ष तक के बच्चों के मानसिक मस्तिष्क का विकास कम से कम 90% तक हो गया रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के शिशुओं और 5 वर्ष से कम आयु के मृत्यु दर में काफी कमी आई है, जबकि 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 50% से अधिक बच्चे अनिमिक एवं हैं और 5 वर्ष से कम की आबादी का 1/3 आबादी नाटा एवं कम वजन का होता है। इन प्रारंभिक वर्षों में आपके बच्चों का स्वास्थ्य पोषण देखभाल की गुणवत्ता के साथ ही सामाजिक विकास की गुणवत्ता में आंगनबाड़ी सेविका काफी महत्वपूर्ण निभाई है। खुशहाल बचपन अभियान समेकित बाल विकास परियोजना एवं पिरामल फाउंडेशन की ओर से एक साझा सार्थक पहल है, जो प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के सिद्धांतों का पर आधारित है, क्योंकि इसमें सुरक्षात्मक, सक्षम एवं स्वच्छ वातावरण में सुरक्षित देखभाल, स्वस्थ पोषण, खेल और प्रारंभिक शिक्षा के तत्वों को गुणात्मक सुधार के लिए शामिल किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों के समग्र विकास के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए एक उत्तरदायी परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना है। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की।